आदाब कोहराम जी जी और जनाब सचिवानंद जी, खुशामदीद आपको। जी सॉरी सर, जी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल ऑल फरमाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर स्ट्रीम पे लेने का। आई एम जी रियली हम्बल फॉर दैट। और सचवाला जी, सब की जो बातें हैं वो मैं सुनता हूँ। कुछ अरसा हुआ मुझे किसी ने रेफर किया था, तो मैं जी उनको सुनता हूँ। बाकी उनके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत वैलिड हैं। और एक मेरे बारे में शायद क्वेश्चन किया गया कि क्या मैं प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं कहूंगा जी कि नहीं, बाय प्रोफेशन जो है मेरा तामीरात और लैंडमार्क रेफरेंसेस से मेरा प्रोफेशन है। और जी उसमें ओवरलैप करते हुए देन आई हैव कॉन्टेक्ट विद द इवन अरेबियन आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनसे फिर मैं जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं लेटेस्ट डिस्कवरीज की वो मैं लेता रहता हूँ। एंड फॉर दैट मैंने ये चीज़ अपनी स्ट्रीम में शेयर की थी, और बार बार मैं उसको रेफर करता हूँ कि जो अपडेटेड मैप्स हैं ट्रेड रूट के, उनके मुताबिक मक्का ट्रेड रूट पर फॉल नहीं करता, बल्कि वो नजरान से आने वाला जो ट्रेड रूट है वो तसलीस से होता सीधा यसरफ की तरफ चला जाता है। और अपनी स्ट्रीम्स में बार बार मैं इसकी तरफ इशारा करता हूँ, चाहे वो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से हो या अदरवाइज हो, कि जो प्रॉफिट मोहम्मद व्होएवर ही इज दिस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव हुए थे, नॉट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इवन जितने आसार हैं यसरफ की तरफ हिजरत करने के, वो तमाम के तमाम इसकी तरफ इशारा करते हैं कि वो दमिश्क से यसरफ तशरीफ लाए थे रादर देन मक्का टू मदीना, जो कि एक ट्रेडिशनल नैरेटिव है। और कुरान के अंदर इसमें सूरह हिजर में बड़े वाज़े इशारात हैं, कुरान इनके ट्रेड रूट को मेंशन करते हुए इनके लैंडमार्क रेफरेंसेस को पॉइंट आउट करता है कि असाबुल एका और आप पेट्रा और कौमे लूत की बस्तियां, ये एक ही ट्रेड रूट पे फॉल करती हैं। एंड आई हैव पर्सनली एक्सप्लोर्ड ऑल दिस ट्रेड रूट्स, जो कि माउंट सनाई के वेस्ट साइड से गुजरता है, जिसको तो कुरान असहाबुल स्पेसिफिकली मेंशन। हिज्र भी यही इसी में आती है ना अब इब्ने मरियम साहब। जी एग्जैक्टली, वो असहाबुल हिजर आपके पेट्रा मुराद है वहां पर। तो जी उसको जब आप देखते हैं और आप जियोग्राफी के ऊपर चीजों को रखिए, तो ये बड़ा वाजे हो जाता है कि अगर जो कुरैश मक्का अगर असाबुल एका के ट्रेड रूट से दमास्कस की तरफ मूव करते हैं, तो नो वे दे कैन बी सिचुएटेड इन मक्का एट दैट टाइम, क्योंकि मक्का का उस ट्रेड रूट के साथ कतअन कोई भी ताल्लुक नहीं बन पाता। और सेकेंडली, कुरान उसको बार बार माउंट सनाई को मैंशन करता है, और हत्ता कि उसमें वो उसके ईस्ट एंड वेस्ट को भी मेंशन करता है। वमा कुंता बिजाने बिल गर्बी या इस कजाइना उसा इलल अम्र वमा कुंता मिन शाहिदीन, तो उसका वेस्ट साइड का सारा एरिया मैंने एक्सप्लोर किया था। एंड आई वुड से के माउंट सनाई वाज इनफ फॉर मी टू पॉइंट आउट द फैक्ट के मक्का कैन नॉट बी द सीक्रेट सिटी। वो माउंट सनाई के जितने भी लैंडमार्क्स हैं जिनको मैं डिटेल में अपनी स्ट्रीम्स में डिस्कस करता हूँ, उनसे ये वाजे हो जाता है कि नहीं, मक्का इज नॉट द वन। सेकेंडली, आपने जिस वक्त बात की के इब्राहिम उनकी औलादों का मक्का में आबाद होना, तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि अगर आप बाइबल से इस्माइल के जितनी औलादें हैं, उनके 12 बेटे हैं इस्माइल के, तो उनके आप मैप के ऊपर उनका फैलाव देख लीजिए। और मैंने वो उनके सारे जो हिस्टोरिक सिटीज थे, जो व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन अरेबिया, मैंने वो सारे हिस्टोरिक सिटीज खुद एक्सप्लोर किए थे। तो आपका दूमा, केदार, ददान, मिद्यान, आपका तैमा, ये सारे के सारे जो हैं ग्रैंड सन्स हैं जिनके नाम पे सऊदी अरेबिया के सिटीज आज भी मौजूद हैं। तो मैंने इनको एक्सप्लोर किया और वहां से मुझे पता चला कि इवन जो एल्डेस्ट सन है इस्माइल के, वो भी मक्का से 1200 किलोमीटर दूर पैदा होते हैं नॉर्थ की तरफ। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर मी कि इस्माइल फिर मक्का में नहीं हो सकते, वरना उनके जो सबसे बड़े बेटे नबियात हैं, जिनके जो पूरी नस्ल है जिनको हम आज नेबतियंस कहते हैं या निप्ती कहते हैं, तो वो मक्का से 1200 किलोमीटर नॉर्थ से वो ओरिजिनेट होते हैं। फिर सेकेंडली, कुरान की अपनी लैंग्वेज जो है उसमें जिस तरह वो वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, तो उससे भी पता चलता है नॉर्थ की लैंग्वेज है। और वो उनको पॉइंट आउट करके, प्रॉफिट मोहम्मद को पॉइंट आउट करके कहता है कि गुलिबत रोम फिल अदनल अर्थ, तो वो जो नियर बाय लैंड है वो मक्का के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अदना का मतलब होता है वेरी क्लोज विसिनिटी, तो वो भी पॉइंट आउट करता है इस चीज को। और आद और समूद को रेफर करके कुरान ये कहता है कि वा इन सकंतुम फी मसाकिन अल्लज़ीना ज़लमू, कि तुम उन बस्तियों में रहते हो जहां पर पहले भी आद समूद वगैरह पर अजाब आ चुके हैं। तो फॉर दैट फैक्ट आई वुड से कि सारे जो एविडेंसेस हैं वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं।
नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ। एक मैंने टर्म मैंने मेंशन की थी चैट में, दरबे जुबैदा। अगर आप दरबे जुबैदा को एक्सप्लोर कीजिए तो ये वो रूट है जो मैंने खुद पर्सनली मैंने एक्सप्लोर कर चुका हूँ व्हेन आई यूज्ड टू लिव देयर। वो मक्का से जाता है आपका नजफ की तरफ, बसरा और कूफा, ये सारे रस्तों को कनेक्ट करता है। एंड सरप्राइजिंगली, मैं सच वाला साहब की जो बात है कि अब्बासियों के दौर में कुछ ना कुछ देर समथिंग ऑन गोइंग, तो वो दरबे जुबैदा का रूट उसके ऊपर एक बड़ा इम्पोर्टेंट एविडेंस है कि वो जो हज का पिलग्रिमेज रूट है वो अब्बासियों से पहले मौजूद नहीं था। उसको डेवलप अब्बासियों ने किया और उसी के निस्बत से उस रूट का नाम दरबे जुबैदा कहलाता है, जो कि आपका मिडल ऑफ द अरेबिया से होता हुआ कूफा की तरफ जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट्स द सेम रूट जो मदीना से होते हुए बसरा की तरफ भी जाता है, जिसमें फिर जमल के वाकयात आते हैं, करबला के वाकयात, और वहां से ये पता चलता है कि देर आर लॉट फैब्रिकेशंस फ्रॉम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये ट्रेड रूट्स हैं जिनको मैंने एक्सप्लोर किया टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका मजहब और आपकी जो इकोनॉमी है, दोज आर वेरी क्लोजली लिंक्ड फैक्टर्स। और ब्लैक स्टोन का ये भी मुझे ट्रेड रूट से अंदाजा हुआ कि बट वॉज ऑन गोइंग विद द ब्लैक स्टोन इटसेल्फ। यहाँ तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि नहीं, कुरान के मुताबिक तो शायद ब्लैक स्टोन के खिलाफ आपको एविडेंसेस मिलेंगे कि एक पत्थर है जो जो ना तुम्हें नफा दे सके ना नुकसान दे सके, तो उसको कैसे तकद्दस दिया जा सकता है। लेकिन ये भी एक कमर्शियल एस्पेक्ट है, इसको जब एबडक्ट किया गया है ब्लैक स्टोन को, तो जिस एरिया में इसको ले जाया गया वो एरिया मैंने सारा एक्सप्लोर किया, और आप कह सकते हैं कि मैंने अपने जो शऊर की आंख जब खोली थी, दुनिया को देखना शुरू किया था, तो आई यूज टू लिव इन दैट एरिया। तो मैंने उन सब एरियाज को एक्सप्लोर किया एंड आई फाउंड कि अ मेजर इकोनॉमिकल ट्रेड एक्टिविटी इज ऑन गोइंग, और राइट ऑन टू द ईस्टर्न ट्रेड रूट वहां पर करामता का काबा मौजूद है। और मैंने फिर उस काबा को एक्सप्लोर किया और आई फाउंड फ्रॉम द लोकल्स एट इटसेल्फ कि उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि ब्लैक स्टोन ऑलमोस्ट फॉर 80 to 120 ईयर्स काबा करामता में नसब रहा था, जिसको बाद में तारीख में सिर्फ 20 साल करके बताया गया। वो कम से कम भी 80 से 120 साल का अरसा है जिसमें ब्लैक स्टोन काबा करामता में ईस्टर्न रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया में वो नसब रहा था। और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि वो बिल्कुल ट्रेड रूट की शहरत के ऊपर करामता का काबा मौजूद था। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा एक तरद्दुद होता है कि वो इतना ब्लैक स्टोन को अगर स्टील करेंगे, अबडक्ट करेंगे एंड देन दे विल फिक्स इट इन देयर वॉशरूम, सो दैट डज नॉट मेक दैट सेंस टू मी। लेकिन ये बात ज्यादा मेक सेंस करती है कि उन्होंने ब्लैक स्टोन को वेस्टर्न ट्रेड रूट से उठाकर ईस्टर्न ट्रेड रूट पे फिक्स किया सो दैट दे कैन अट्रैक्ट देयर ट्रेड्स एंड दे कैन बिल्ड अप एंड फ्लरिश देयर इकोनॉमी। तो वो ट्रेड रूट की मेरे पास फोटोज भी हैं और उस काबे की भी मेरे पास तस्वीर है, इब्ने वो मैं दिखाऊंगा इब्ने मुरैब उसमें। जी, आपके चैनल का भी मतलब ये पूछ रहे हैं आपके चैनल का लिंक क्या है, और ये जितने भी आपने वीडियोस बनाए हैं ये अगर आप मुझे शेयर कर सके तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारे रेफरेंसेस के लिए डाल देता हूँ। यप श्योर, सो दैट मैं वुड फॉर सम एक्चुअली एनरिच रीजन आर दिस एंटायर स्ट्रीम विल बी वर्थ एक्चुअली। जो भी सचवाला जी बोल रहे हैं, जो भी सवालात हैं इनके, वो सवाल को और कैल्सिफाई कर देंगे आपके जितने भी आपके डिस्कवरीज है जी मतलब बिल्कुल। ये। मैं सच वाला साहब के जो सवालात हैं, मेरा यूँ समझ लीजिए कि बात करने का मकसद ये है कि मैं इनकी सवालात को मजीद रेनफोर्स कर रहा हूँ कि इनके सवाल जी बहुत वैलिड सवाल हैं इनके। तो मैं ये कहूँगा कि वो ब्लैक स्टोन के मुतालिक जो है वो तो मुझे ये मिला। सेकेंडली, अब्राहा जो है, मैं ये समझता हूँ कि अब्राहा इज अ रियल इंसिडेंट, लेकिन अगर आप कुरान को देखिए तो कुरान कभी भी ये मेंशन नहीं करता कि अब्राहा ने काबा पर हमला किया। ये बात कुरान में कहीं टेक्स्ट में मौजूद नहीं है। वो सिर्फ इतनी बात कुरान मेंशन करता है, अगर आप सूरह फील को और सूरह इलाफ को अगर आप पढ़ते हैं तो वो कहता है रहलत अश्शताई वस्सईफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अब यही चीज आपकी सूरह सबा में भी आती है और एग्जैक्टली इसकी पूरी मंजरकशी आपको इंडिपेंडेंट आर्कियोलॉजी में, आपको यमन में मिल जाती है। वहां पर ये मेंशन होता है कि अब्राहा ने नॉर्दर्न एरियाज में कहीं अटैक किया था, ही अटैक ट्वाइस। और इसकी फिर रॉक इंस्क्रिप्शंस आपको सऊदी अरेबिया के अंदर मिलती हैं, तसलीस के इलाके में आपको मिल जाती हैं, लेकिन वहां पर भी ये मेंशन नहीं होता
एक काबा पर अटैक किया गया था, और कुरान भी इसको मेंशन नहीं करता। वो कुरान इसको रहलत अश्शता व सैफ से ताबीर करता है और उसी को खौफ के साथ बयान करता है। और इट मेक्स अ परफेक्ट सेंस कि जो आपका तिजारती काफिला यमन में शब्बा के इलाके से नजरान और यसरिब और दमास्कस की तरफ मूव करेगा, अगर वहां पर आप अटैक करना शुरू कर दें तो कुरैश जो है उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जमीन बोस हो जाएगी। फॉर द सेम रीजन आप देखिए, यसरिब में होते हुए उन्हीं ट्रेड रूट्स को अटैक किया गया, और बदर में जिसको कुरान कहता है कि वो कारवां तुमसे नीचे से गुजर रहा था, दे वर टेकिंग अ डिटूर फ्रॉम यसरिब बेसिकली, तो जिस वक्त बदर में उनके ऊपर अटैक किया गया, सो दे वर मूविंग फ्रॉम नजरान टूवर्ड्स दमास्कस एंड नॉर्दर्न एरिया। तो मक्का उसमें कहीं भी किसी सीन में अपियर होता ही नहीं है। अच्छा मोहतरम, अच्छा यहाँ एक बात अगर जोड़ी जाए, अगर हम ऐसा समझें कि जालल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास का एक मफहूम ये भी हो सकता है कि काबा को असल में एक ट्रेड रूट या फिर जो है इकोनॉमी से जोड़ा गया, आप ऐसा हम ऐसा समझ सकते हैं? इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, और मैं ये कहूँगा कि जितने आपने काबा के जिक्र किए, जिसमें आपका काबा गफ़ान भी था, काबा करामता भी था, काबा तौस